श्वेता तिवारी ने कुछ साल पहले वेब सीरीज हम तुम और देम से ओटीटी डेब्यू किया था। ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 और ऑल्ट बालाजी में देख सकते हैं। सीरीज में श्वेता तिवारी और अक्षय ओबेरॉय के बीच एंटीमेट सीन ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। ऐसा पहली बार था जब एक्ट्रेस ऐसा कोई एंटीमेट सीन शूट कर रही थी। वे रोमांटिक सीन को शूट करने से पहले और बाद में सहज नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसे सीन दिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्वेता तिवारी को लगता था कि उन्होंने एंटीमेट सीन शूट करके कोई गलती की है। वे सीन शूट करने के बाद इतना घबरा जाती थी कि वैनिटी वैन में खुद को बंद करके रोती थी। कसौटी जिंदगी की फेम एक्ट्रेस ने सीन को लेकर इंस्टाग्राम पे कुछ लिखा था। मैं इस सीरीज का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सिर्फ अनोखी स्टोरी की वजह से ही नहीं, बल्कि इसने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद की। मैंने बाल छोटे करवाए, इंटीमेट सीन शूट किए। मुझे लगता था कि मुझ में ऐसा करने का साहस नहीं है। मैं हर दिन रोई और घबराती थी। श्वेता तिवारी से जब पूछा गया कि इंटीमेट सीन को लेकर बेटी पलक का क्या रिएक्शन था, तो एक्ट्रेस ने पिंक विला को बताया, मैं बहुत डरी हुई थी। प्रोमो रिलीज होने के बाद मैं घबराई हुई थी। मैंने क्रिएटिव टीम को कॉल किया और पूछा ये क्या है, मुझे ट्रेलर पसंद नहीं आया। मुझे नहीं पता कि मैं इसे अपनी माँ, दोस्तों और परिवार को कैसे दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने अपनी बेटी को ये ट्रेलर भेजा और पूछा कि अपनी ईमानदार राय दो। उसने कहा, वाह माँ, ये बहुत अच्छा और शानदार है। श्वेता तिवारी ने बेटी की राय जानने के बाद सीरीज से जुड़े क्रिएटिव टीम को फोन किया और उन पर चिल्लाने के लिए माफी मांगी। एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि जब उनके पास वेब सीरीज की स्क्रिप्ट आई थी, तब बेटी पलक को बताया था। बेटी के कहने पर श्वेता तिवारी सीरीज में काम करने के लिए प्रेरित हुई थी। आगे श्वेता तिवारी ने बताया कि पलक ने मुझे समझाया था कि ऑन स्क्रीन किस सीन देने में कुछ भी गलत नहीं है। बता दें कि हम तुम एंड देम 6 दिसंबर 2019 को स्ट्रीम होना शुरू हुई थी। 42 साल की श्वेता तिवारी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती है। उन्होंने 2 बार शादी की थी और दोनों ही असफल रही थी। पहले पति राजा चौधरी से उनकी एक बेटी पलक तिवारी है और दूसरे पति अभिनव कोहली से उनका एक बेटा है जिसका नाम येयांश कोहली है। दोस्तों, आपको श्वेता तिवारी का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।